जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी टू टेबल के बारे में बता दें कि सर्विस के आधार पर 15 साल से 32 साल सर्विस की है, उसके आधार पर ओआरओपी टेबल बनाई गई है। और इस टेबल में बता दें कि एमएसीपी रैंक के आधार पर भी टेबल बनाई गई है। ये एक संभावित टेबल है और इसके जो आंकड़े हैं, ओआरओपी टू जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ओआरओपी टू के आंकड़े दिए हैं उसके आधार पर है, और एक्सेल के फॉर्मूले के आधार पर इसको तैयार किया गया है। इस ओआरओपी टेबल में आप कैलकुलेट करेंगे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के और डीएससी के सभी सैनिक ऑफिसर, जेसीओ और ओआर। इसमें बता दें कि जो हवलदार रैंक है, कई लोग एक डाउट में आ गए हैं कि हवलदार रैंक और प्रमेचर रिटायर वालों को कोई इसमें फायदा नहीं है, लेकिन वो गलत फहमी है। हवलदार रैंक को भी उतना ही मिलेगा और प्रमेचर वालों को भी फायदा होगा। इस एरिया टेबल की कैलकुलेशन किस आधार पर की गई है, उस फार्मूले को मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस आधार पर ये ओआरओपी टेबल बनाई गई है। वो दोपहर में वीडियो बनाया था, अब इसको मैं अपलोड कर रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ओआरओपी टेबल जानने से पहले आपको बता दें, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, डीएससी, तीनों चारों सेनाएं जान सकती हैं। इसमें बता दें, आर्मी की जो रैंक होगी वही डीएससी की रैंक होगी, एयरफोर्स और नेवी की रैंक अलग अलग होगी। आपको ये बताने से पहले मैं ये बता दूं कि सिपाही और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कौन कौन सी रैंक होती है, पहले वो जानना जरूरी है, तभी ये टेबल समझ में आएगी। सिपाही रैंक जो आर्मी में होते हैं, डीएससी में होते हैं, वो इंडियन नेवी में सीमैन उनको कहते हैं और एयरक्राफ्ट मैन कहते हैं एयरफोर्स में। इसी तरह लांस नायक के लिए दिया हुआ है, लांस नायक के लिए, इसके बाद नायक के लिए दिया हुआ है, हवलदार के लिए दिया है, नायब सूबेदार के लिए दिया है, सूबेदार के लिए दिया है, सूबेदार मेजर के लिए दिया है। ये रैंक इक्वल रहेंगी। और बता दें कि ये केवल वाई ग्रुप का कैलकुलेशन किया गया है, एक्स ग्रुप का कैलकुलेशन नहीं है। कई लोग एक्स ग्रुप के होते हैं और वो समझते हैं कि जो ओआरओपी टेबल बनाई गई है उसमें मेरा एरियर ज्यादा आ रहा है और मेरा बेसिक ज्यादा बन रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं, ओआरओपी टेबल का कैलकुलेशन कैसे किया गया है। सिपाही का जो कैलकुलेशन रेड कलर में आपको ये दिया हुआ है, ये रेड कलर में जो सिपाही का कैलकुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है, इसी के आधार पर बाकी रैंकों के बनाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, सिपाही का 1 जुलाई 2016 का बेसिक 7 CPC के अनुसार 17,699 रुपए था। 1 जुलाई 2019 को बिना ओआरओपी के बेसिक पेंशन 7 CPC के अनुसार 19,726 रुपए हुई। 1 जुलाई 2019 को ओआरओपी टू लगने के बाद बेसिक पेंशन उनकी 20,394 रुपए हो गई। इसके बाद एरियर जो कैलकुलेट हुआ है वो 87,000 रुपए एरियर कैलकुलेट हुआ है। कई लोग कहेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिसने नहीं देखा है उसको मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसको उस वीडियो को दे दूंगा, कैसे ये कैलकुलेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। इसके बाद बता दें, सिपाही 17+2 2 साल जो एक्सटेंशन करते हैं, या किसी कोर ऐसी होती है, कोई कोई कोर जिसमें 19 ईयर्स तक की सर्विस होती है सिपाही की, उनमें उनका 1 जुलाई 2016 को बेसिक था 18,100 रुपए, इसके बाद 20,127 रुपए हुआ बिना ओआरओपी के 2019 जुलाई में। इसके बाद जब ओआरओपी लागू कर दिया जाएगा तो 20,795 रुपए होगा। आप देख सकते हैं ये डिफरेंस जो आ रहा है, यही इसमें ओआरओपी का क्रेडिट के लिए ओआरओपी क्रेडिट मिल रहा है, यानी कि 87,049 रुपए मिलेगा सिपाही 17+2 के लिए। लेकिन बेसिक में काफी अंतर आ जा रहा है, बेसिक उनकी चेंज हो रही, जो 17+2 कर रहे हैं उनकी बेसिक, इनसे काफी अंतर आ रहा है, लगभग 400-500 रुपए का अंतर आ रहा है। इसके बाद सिपाही ACP 1 जो इक्वल रहेगा नायक के, उनकी पेंशन जो बनेगी 86,887 रुपए बनेगी बेसिक, उनकी एरियर बनेगा। इसके बाद जो बेसिक हो जाएगा उनका 20,590 रुपए हो जाएगा। इसके बाद ACP 2, अब कई सिपाही ऐसे होते हैं जिनको केवल सिपाही मिलता है, उनको ACP नहीं मिल रहा है,
उनके लिए ये रहेगा एरियर। और जो सिपाही ऐसे होते हैं कि जिनको ACP 1 ही केवल मिलता है क्योंकि वो प्रमोशन ले नहीं लेते हैं तो अनविलिंग करते हैं, उसके बाद उनको ACP रैंक हटा दी जाती है। अगर जो सिपाही रैंक से ACP 2 ले रहा है वो हवलदार के इक्वल माना जाता है, इसके बाद उसकी जो एरियर बनेगी 94,300 बनेगी। इसमें बता दें कि उनका बेसिक जो रहेगा 18,400 2016 में रहा होगा जुलाई में, इसके बाद 1 जुलाई 2019 को उनका बेसिक बिना ORP के 21,230 हो जाएगा। ORP लागू होने के बाद 21,998 रुपए हो जाएगा बेसिक। इसके बाद एरियर जो बन जाएगा 94,300 बन जाएगा, तो ये आधार रहेगा। अब इसके बाद दूसरी रैंक का देख लेते हैं। दूसरी रैंक में नायक रैंक की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये दिया है आंकड़ा, 1,14,000 उनका एरियर बनेगा। 18,417 रुपए उनकी 2016 में बेसिक थी 7 CPC के अनुसार, लेकिन जब 2019 में उनका 7 CPC के अनुसार 21,130 रुपए बेसिक हुआ, और ORP लागू होने के बाद 21,930 रुपए, ORP रिवीजन के बाद 21,930 रुपए बेसिक हो गया। इस आधार पर उनका जो एरियर बन रहा है 1,14,000 रुपए बन रहा है। इसी के साथ सिपाही 22+2 का अगर देख लिया जाए तो 1,13,050 रुपए बनेगा, और उनका बेसिक हो जाएगा 22,600 रुपए। ये 22+2 वो है जो एक्सटेंशन कर लेते हैं नायक। इसके बाद नायक ACP 2 जो ले लेते हैं हवलदार के इक्वल उनकी हो जाएगी, और उनको बेसिक हो जाएगा 22,900 रुपए और 1,09,820 रुपए उनको एरियर मिलेगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर ये एरियर इससे कम क्यों हो जा रहा है, तो बता दें कि आपका एरिया डिपेंड कर रहा है कि आपके 2016 में बेसिक कितना था, इसके बाद 2021 में बिना ORP के बेसिक कितना हुआ, इसके बाद ORP के बाद बेसिक कितना हुआ, उस आधार पर ये एरियर कैलकुलेट हो रहा है, तो ध्यान रखें। इसके बाद हवलदार 24 साल में जो MOD ने आंकड़ा दिया है 70,000 उनका बेसिक बन रहा है, और उनका जो 2016 में बेसिक था 20,066 रुपए था, 2019 में बेसिक हुआ 7 CPC के अनुसार 21,782 रुपए, और ORP लागू होने के बाद 22,294 रुपए उनका ORP यानी कि बेसिक हो गया। इसके बाद 70,000 उनको आ रहा है। लेकिन अगर इसको देखा जाए, ये जो हमने कैलकुलेशन की है इसमें मिस्टेक आ रही है, ये लगभग 94,000 के आसपास बनना चाहिए हवलदार का, 24 साल हवलदार का। ORP के अनुसार, ORP रिविजन के अनुसार इसमें जरूर दिया है, लेकिन अगर उनका आंकड़ा देखा जाए जो कैलकुलेशन किया है उसमें 94,000 बनना चाहिए, इसका हमें डाउट है। इसमें हो सकता है कोई मिस्टेक हो, क्योंकि सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें कई ऐसे मिस्टेक हैं जिसमें कि ये भी एक मिस्टेक हो सकता है। हवलदार 16 साल का 19,400 रुपए 2016 में बेसिक था, 21,230 रुपए हो गया उनका 2019 में बेसिक 7 CPC के अनुसार, लेकिन 2019 में ORP रिवीजन लागू हो जाने के बाद उनका बेसिक हो जाएगा 21,998 रुपए, 83,915 रुपए 16 साल के हवलदार को जो प्रीमेचर रिटायर हुए। अब कई लोग कहते हैं कि प्रीमेचर वालों को नहीं मिलेगा, तो जरूर मिलेगा, ORP का फायदा एकदम कंफर्म रहे, उनको भी ORP का फायदा मिलेगा। इसी तरह हवलदार 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल और 23 साल तक के हवलदारों के लिए भी है, लेकिन इनके हमारे पास 2016 के आंकड़े नहीं थे ना ही 2019 के आंकड़े थे, इसलिए मैं इनका नहीं बना पाया हूँ, इनका आंकड़ा नहीं दे पाया हूँ। तो ध्यान रखें, 2016 का अगर इतना मिल रहा है तो 2017 18 का इस इनसे कम एरियर नहीं रहेगा, इतना बिल्कुल बेफिक्र रहे। इसके बाद हवलदार 24 साल जिसने सर्विस की है और ACP नायब सूबेदार ले रहा है, यानी कि 24 साल सर्विस, ये केवल हवलदार रहे हैं, इनको ACP नहीं मिल रहा है किसी कारण से, और ये जो है ACP ले रहे हैं और 24 साल सर्विस भी की है, इनका बेसिक 2016 में रहेगा, 2016 में था 22,230 रुपए, और 2019 में इनका 23,320 रुपए हो गया, ORP लागू होने के बाद 24,240 रुपए। इस तरह से इनका ORP एरियर बनेगा 99,370 रुपए। ये आप कैलकुलेशन ORP का, मैंने एक कैलकुलेशन किया है उसी आधार पर कैलकुलेशन किया गया है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तभी कैलकुलेशन का आइडिया लगा पाएंगे कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं सही है।
इसके बाद नायब सूबेदार का जो सरकार ने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, वो उनमें नायब सूबेदार का 1,08,000 रुपए एरिया बता रहे हैं और उनका 2016 में 7 CPC के अनुसार बेसिक था 24,234 रुपए, 2019 में 26,800 रुपए हुआ और 2019 में ओआरओपी रिवीजन लागू होने के बाद बेसिक हो जाएगा 27,597 रुपए, उस आधार पर एरियर बनेगा 1,08,000 रुपए। इसी तरह से 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 28 साल तक के नायब सूबेदार का, इनके हमें 2016 का आंकड़ा नहीं दिया है मालूम है और ना ही इनके 2019 के आंकड़े मालूम है, इसलिए इनका मैं एरियर कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ इस इतनी जो इन्होंने सर्विस की है। लेकिन ये जो नायब सूबेदार हैं 28 साल सर्विस वाले हैं और 28 साल सर्विस के नायब सूबेदार की बेसिक और एरियर ये बनेगा। इसके बाद सूबेदार रैंक 30 साल सर्विस करने वाले सूबेदार रैंक की बेसिक हो जाएगी 35,400 रुपए, जो ओआरओपी रिविजन लागू होने के बाद उनका बिना ओआरओपी के 34,200 रहेगा। इसके बाद एरियर जो बनेगा 1,55,300 रुपए बनेगा ओआरओपी लागू होने के बाद। इसके बाद सूबेदार की बता दे 19 साल 20 साल ऐसे 32 साल सूबेदार तक करने की उनके भी आंकड़े नहीं है हमारे पास, इसलिए उनका मैं एरियर नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि एरियर तभी बता सकते हैं जब हमें 2016 के आंकड़े पता हो। अगर आप ऐसे कोई सूबेदार रैंक के हैं या किसी भी रैंक के हैं अपना 2016 का आंकड़ा दे, इसके बाद 2019 का आंकड़ा दे, तो मैं उनका बेसिक बता सकता हूं और एरियर भी उनका कैलकुलेट कर सकता हूं, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग संभावित एरियर उनका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हॉनरी सूबेदार मेजर का बता दें, हॉनरी सूबेदार मेजर का 31,900 रुपए 2016 में था, 32,870 रुपए बेसिक बन गया 7 CPC के 2019 के बाद और इनका ओआरओपी रिवीजन के बाद 36,920 रुपए एरियर बनेगा, 26,920 रुपए बेसिक बन जाएगा ओआरओपी रिवीजन लागू होने के बाद, 1,63,000 इनको टोटल क्रेडिट मिलेगा, एरियर मिलेगा। इसके बाद सूबेदार मेजर का ये आंकड़ा एमओडी ने दिया हुआ है 1,75,000 रुपए और वही बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इसके बाद हॉनरी लेफ्टिनेंट के लिए 1,80,000 रुपए उनको मिलेगा एरियर। इसके बाद हॉनरी कैप्टन के लिए 1,83,000 एरियर मिलेगा, मेजर रैंक के ऑफिसर के लिए 3,05,000 और इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए 4,55,000 रुपए और कर्नल के लिए 4,42,000 रुपए। ये सारे आंकड़े एमओडी ने दिए हुए हैं। इसके बाद बाकी आगे की रैंकों के लिए भी दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं। ब्रिगेडियर रैंक के लिए दिया है 5,05,000, इसके बाद मेजर जनरल रैंक के लिए 3,90,000 और लेफ्टिनेंट जनरल के लिए 4,42,000। इसके बाद बता दें कि ओआर रैंक का भी दिया है, लेकिन कई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हवलदार को नहीं मिल इसमें फायदा है, तो हवलदार को भी फायदा है, प्रोबेशन वालों को भी फायदा है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।